पोषण ट्रैकर ऐप में गोदभराई, अनप्राशन और VHSND को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पोषण ट्रैकर ऐप में ये जो गतिविधियां हैं गोदभराई, अनप्राशन और VHSND, अगर इन गतिविधियों को आप एक सप्ताह के अंदर नहीं करते हैं तो आपकी एंट्री छूट सकती है और आप पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो 20.7 का जो अपडेट है कुछ दिन पहले आया था, जिसमें जो जो भी अपडेट आए थे उन सभी के बारे में हमने आप सभी को पूरी डिटेल्स में बताया था। लेकिन अब जब आप लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में गोदभराई, अनप्राशन और VHSND की एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक नया चेंज देखने को मिलेगा। चलिए उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार से आप लोगों को एंट्री करनी है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप पर आ जाना है। आने के बाद जो मोर वाला ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक कर देना है और हम लोग इवेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा और VHSND की एंट्री अगर आप नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे VHSND वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 3/5/2024 को जो टीकाकरण की एंट्री होती है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे एक नया ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो पार्टिसिपेंट का ऑप्शन है वो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आएगा। उसमें आप लोगों को दर्शाना है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर कितने लोग मौजूद थे उस टीकाकरण के दौरान, तो वो संख्या आप लोगों को वहाँ पर भर देनी है। और जैसे कि VHSND की एंट्री करते समय आप लोग कोई गलती कर देते हैं, डेट वगैरह गलत चढ़ा देते हैं, तो सेम डे आप लोगों को वहां पे सुधार कर लेनी है, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को वो ऑप्शन यहां पे नहीं दिखाएगा। जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं कि VHSND की एंट्री 3 तारीख को किए हैं, तो एक सप्ताह के अंदर अगर आप लोग उसको एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब एक सप्ताह बीत जाएगा तो यहां पे जो ऑप्शन है एडिट का वो ऑप्शन हटा दिया जाएगा, जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों को डेट सेलेक्ट करनी है। डेट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिस डेट को आप लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करेंगे उस डेट से एक सप्ताह पीछे का ही कैलेंडर का जो ऑप्शन है वो खुलेगा, उसके पहले का जो डेट है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण होती है उसके एक सप्ताह के अंदर ही आप लोगों को जो एंट्री है वो कर लेनी है। ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ पे CVE वाले ऑप्शन में चल के दिखा देते हैं कि ये ऑप्शन कैसे दिखा रहा है। हम यहाँ पे CVE वाला ऑप्शन को ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद जैसा कि हमने यहाँ पे 7 तारीख का जो गोदभराई दिवस होता है उसकी एंट्री कर लिए हैं। आपके यहाँ पे जिस डेट को गोदभराई अनप्राशन दिवस की एंट्री होती है आप लोग कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो देख सकते हैं कि आज 14 तारीख है और 14 तारीख से पीछे एक सप्ताह के लिए यहाँ पर जो डेट है वो आप लोगों को देखने को मिला है। यानी कि इसके पहले अगर आप लोग 8 तारीख के पहले कोई भी एंट्री अगर आप छोड़ देते हैं तो उसकी एंट्री आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि जिस दिन आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे कोई गतिविधि होती है उसके एक सप्ताह के अंदर ही आप लोगों को एंट्री कर लेनी है। पहले क्या था कि यहाँ पे जो डेट है वो एक महीने के लिए खुल के आ रहा था, आप लोग महीने के लास्ट में भी जाके इसकी एंट्री कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप लोगों को एक सप्ताह के अंदर ही जो गतिविधि है उसकी एंट्री कर लेनी है। ठीक है, तो ये नियम अब आप लोगों के लिए चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे थीम सिलेक्ट करना है तो आप लोग किस थीम के अनुसार यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे 5 थीम देखने को मिल जाएगा, गोदभराई दिवस, अनप्राशन, सुपोषण और यहाँ पे 2 और थीम है जो कि हो सकता है कि आगे चल के इस थीम के अनुसार भी काम किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को एंट्री कर लेनी है। और एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे एडिट का ऑप्शन जो है वो सेम डे ही कर लेना है या एक सप्ताह तक आप लोगों को यहाँ पे जो ऑप्शन है वो खुल के आता है, तो अगर कोई डेट वगैरह में गलती हो जाती है तो आप लोगों को वहाँ पे एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो भी गलती हुई है उसको सुधार कर लेनी है। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।